स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम फीचर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल की। फीचर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल में हम सबसे पहले जो आज चीज फाइंड आउट करेंगे वो है हमारे पास हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि आज हम सबसे जो पहले फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो हमारे पास क्या है कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि प्रोजेक्टाइल की जो हाइट वो अटेन करता है कोई भी प्रोजेक्टाइल, जिसमें आपने देखा था कि अगर हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी पिछले लेक्चर्स में कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल्स किस तरह के हो सकते हैं कि आप कोई बॉल को किक कर रहे हैं तभी वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा, इसी तरह मिसाइल की जो लॉन्चिंग है वो भी हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जाम्पल्स में आ जाता है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि एक जो मतलब कि एक जो मैन है वो क्या कर रहा है कि बॉल को जो है वो किक कर रहा है, ठीक है, और किक करके उसने जब ऊपर की तरफ उछाला है तो उसने कुछ टाइम के बाद जो है एक पैराबोलिक पाथ फॉलो किया, जिसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है। और दूसरा ये आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली हमारे पास पैराबोलिक पाथ जो है वो बना रहा होता है, यानी कि पैराबोला टाइप की जो शेप है जिसे हम ज्योमेट्री में देखते हैं बिल्कुल वैसी शेप बन रही है। अब इसमें जो हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल है, यानी कि जब कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करती है स्टूडेंट्स, तो वो जो पीक पॉइंट पे यानी कि जो हाईएस्ट पॉइंट जिस पे वो रीच करती है, ये वाला पॉइंट अगर मैं देखूं, वहां से हमारे पास ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या कहलाती है, हमारे पास हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहलाती है, जिसे मैं यहाँ जो है वो मैं डिनोट करने जा रही हूँ विद द स्मॉल एच, यानी कि स्मॉल एच जो है वो हमने हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल के लिए शो किया। अब हम यहाँ जो है अगर देखें कि जो इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि हम जो जिस तरह आप देख सकते हैं कि मैन जो है वो किक कर रहा है बॉल को, उसने कोई इनिशियल वेलोसिटी जो है वो दी है इस बॉल को, जिसे हम वी आई से डिनोट करते हैं, और वी आई जो है वो किसी खास एंगल पे लग रहा है हॉरिजॉन्टल से, जिसे हम एंगल थीटा कहते हैं। और अगर मैं इस वी आई को यानी कि इस इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं उसको रिजॉल्व करूं दो कंपोनेंट्स में, यानी कि इसी को वेक्टर को मैं एक्सटेंड करती हूं और इसकी रेजोल्यूशन करती हूं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में, तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास वी आई कॉस ऑफ थीटा है, और इसी तरह हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वी आई साइन ऑफ थीटा है, ठीक है। ये हमारे पास दो जो है इसके कंपोनेंट्स आ गए इन द एक्स और वाई डायरेक्शन, ठीक है। जिस तरह से ये मैंने y एक्सिस ले लिया है और ये मेरे पास स्टूडेंट्स x एक्सिस है, ठीक। अब अगर हम देखें कि हमारे पास अगर मैंने इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, तो मैं जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यूज कर सकती हूँ इसमें, और वो हमारे पास क्या होती है, 2as is equals to, 2as is equals to vf का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास जो है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास यहाँ जो है हमारे पास a जो है यानी कि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुई है इस बॉल में, वो हमारे पास किसके बराबर है, माइनस जी के बराबर है। अब माइनस जी के बराबर इस वजह से स्टूडेंट्स के हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है, यानी कि जब हम बॉल को ऊपर की तरफ यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में जो है उसको भेजना चाह रहे हैं, और ऊपर की डायरेक्शन में जब हम किसी बॉडी को भेजते हैं तो उसके पास जो एक्सेलरेशन होती है वो अगेंस्ट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ठीक है। क्योंकि जब बॉडी जो है वो नीचे की तरफ आती है, तो अब हम कहते हैं कि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ गिर रही है, लेकिन जब ऊपर की तरफ जाएगी तो हम ये कहेंगे कि वो अगेंस्ट द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, यानी कि माइनस साइन, और उसकी वैल्यू जो होगी वो जी के बराबर होगी, जो कि हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड आती है, ठीक। तो इस वजह से एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास ये होगी। फिर उसके बाद अगर हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी देखें, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन, जिसे मैंने वी आई वाई से डिनोट किया है, ये दोबारा से बता देती हूँ मैं आपको, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन है, ठीक है। ये वी आई वाई से मैंने इसे डिनोट किया है, ये हमारे पास किसके बराबर आ गई, वी आई इंटू साइन ऑफ थीटा। अब ये चीज मैंने किस तरह से लिखी है, जैसा कि इस फिगर में आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि हमने जब वी आई के को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था, तो हमने ये देखा है कि हमने वी आई की ये यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या आया, वी आई साइन ऑफ थीटा। तो वही चीज मैंने यहाँ लिख दी है बिल्कुल उसी तरह, ठीक है। फिर इसका और फिर इसका जो फाइनल कंपोनेंट है यानी कि वी एफ वाई, यानी कि फाइनल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन, वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, जीरो है। अब ये चीज कैसे आई है हमारे पास जीरो के बराबर, तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ फिगर में भी दिखाया था कि ये वो हाईएस्ट पॉइंट होगा, हाईएस्ट पॉइंट यानी कि जैसे आप कह सकते हैं कि हमारे पास पीक पॉइंट है जिस पे प्रोजेक्टाइल जो है वो रीच करता है, और जब
कोई भी बॉडी, जैसे कि आपने अपनी डेली लाइफ में भी देखा होगा कि कोई भी बॉडी जब जिसे हम ऊपर की तरफ उछालते हैं, वो जब अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करता है तो वहाँ वो एट अ स्टेट ऑफ रेस्ट आता है फॉर वेरी माइन्यूट सेकेंड्स के लिए, ठीक है, मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए वो रेस्ट में आता है और फिर वो दोबारा जो है नीचे की तरफ गिरता है। बिल्कुल इसी तरह प्रोजेक्टाइल मोशन में भी इसी तरह होता है कि हमारे पास जो बॉडी होती है वो एक मैक्सिमम हाइट अटेन करती है और उसके बाद यहाँ वो एज अ स्टेट ऑफ रेस्ट पर आती है फॉर फ्यू सेकेंड्स और उसके बाद दोबारा से जो है वो ग्राउंड को जाके हिट कर जाती है। ठीक, तो इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स, इस केस में हम भी हमारे पास ये हो रहा है कि जब बॉडी अपने पीक पॉइंट पे रीच करती है तो वहाँ उसके पास जो वेलोसिटी होती है, जो कि जिसे हम कहते हैं कि फाइनल वेलोसिटी, इसे मैंने VFY इस वजह से कहा है क्योंकि हम इस पॉइंट तक जो है प्रोजेक्टाइल को नोट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम नोट कर रहे हैं, तो ये मैंने उसका फाइनल पॉइंट कहा है। ठीक है, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि अपने ईज के लिए जो है वो आप इसको ए पॉइंट कह सकते हैं, इसको बी पॉइंट कह सकते हैं, और हम ए से बी तक जो है वो प्रोजेक्टाइल का जो है वो मतलब कि देख रहे हैं, उसकी मतलब कि उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके उसकी ट्रैजेक्टरी को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, तो इसलिए वी एफ वाई जो है हमारे पास जीरो आ गया स्टूडेंट्स। अब ये वाली वैल्यूज हमें सारी मालूम हो चुकी हैं, अब मैं इसको इस इक्वेशन में डालने जा रही हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू इंटू माइनस जी इंटू एस जो है वो हमारे पास एच के बराबर हो जाएगा। एच जो है वो क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्टेंस है जो कि वर्टिकल डिस्टेंस है जो बॉडी ने ट्रेवल किया है और उसको मैंने एच से डिनोट कर दिया। और अब मैं इसकी वैल्यूज पुट करूँ तो वी एफ जो है वो हमारे पास क्या आता है, वी एफ जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहा है जीरो के बराबर। ठीक है, यानी कि इसको आपने यहाँ ये देखा आपने कि इसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, जीरो है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वहाँ पास क्या है, वी आई का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि ये वैल्यूज मैंने उसकी पुट कर दी है। ठीक, अब यहाँ क्योंकि हम जो है यहाँ इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज जो हैं वो उसकी देख रहे हैं कि हमारे पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या है, तो ये हमारे पास आ गई। अब यहाँ इसकी इसको जब हम मजीद सिंप्लीफाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, माइनस टू जी एच इज इक्वल्स टू माइनस वी आई का स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर थीटा। अब अगर देखें माइनस साइन जो है स्टूडेंट वो दोनों साइड्स पे हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ जो बचती है इक्वेशन वो टू जी एच इज इक्वल्स टू बी आई का स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर थीटा, और अगर एच की वैल्यू मैं निकालूँ स्टूडेंट्स तो मेरे पास क्या आती है, वी आई का स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर थीटा होल डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, ये हमारे पास इसकी हाइट आ गई। अब ये जो स्टूडेंट्स हमने हाइट इसकी निकाली है, यानी कि वी आई का स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर 2g, तो अगर हम इसका रिजल्ट एनालिसिस करें, यानी कि ये जो हमारे पास हाइट निकली है, तो मैक्सिमम हाइट जो है वो कोई भी प्रोजेक्टाइल जो है वो कब अटेन कर सकता है उसको देख लेते हैं कि अगर मेरे पास, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास साइन ऑफ थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 90 पे आती है, यानी कि वन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमारे पास सॉरी इधर मुझे वन लिखना चाहिए था, तो मेरे पास जब थीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है तो हमारे पास साइन की वैल्यू जो होती है वो 1 आ जाती है। ठीक है, यानी कि हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जब थीटा हमारे पास 90 डिग्री का होगा तो उस केस में हमारे पास हाइट जो है वो मैक्सिमम हाइट जो है वो प्रोजेक्टाइल जो है वो अटेन करेगा।